निर्णय के रूप में। जब हमारा सौ तक हो जाती है, इसको एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये दस दहाई मिलके एक सैकड़ा बना है, ठीक है। और ये दस नौ इकाई दसवीं इकाई यहाँ हो जाएगी, इसमें दस इकाई मिलके एक दहाई बनती है, ठीक है। बहुत अच्छा मैम, क्लिक कर दी। ये इसका नाम है बेस टेन ब्लॉक्स। ये बेस टेन ब्लॉक्स हैं, येलो वंस के लिए यूज हो रहे हैं, ब्लू टेंथ के लिए, ग्रीन हंड्रेड के लिए। तो आप बच्चों को जैसे 202 एंड 220, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं उसको लिखने में 200 लिखकर फिर 20 लिखते हैं, ये वाली गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसके लिए आप बच्चों को ये लिख कि 200 में कितने 100 लिखे हैं, तो 2 पेस्ट करेगा बच्चा ग्रीन। 20 के लिए कितने यूज कर रहे हैं, दो दहाई, हां। तो क्या हो गया 220 और 202 में डिफरेंस, दो इकाई, 200 में ये और 1 हमारे से 2 है। तो ये डिफरेंस जो बच्चों को पता चलेगा कि इन दोनों नंबर्स में 20 का डिफरेंस है, मतलब उनको सोचने के लिए लॉजिकल जो है कि एक्चुअल में क्या है करके लिखे। मैंने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और ये दे दिया, करने के लिए छोड़ दिया। आपने सबसे पहले क्या कराया था, थर्ड स्टेप क्या था हमारा, पीएलएम का प्रयोग करना, इसको सुदृढ़ कराना। मैं बता रही हूँ अपने बच्चों को कि बच्चों वंस टेंथ एंड हंड्रेड के लिए इस तरह से सिर्फ वंस में जब आप यूज करोगे, नो यूनिट्स को यूज करोगे, येलो टेन यूज नहीं करना, कोई भी ना ग्रीन टेन यूज करना, ना ब्लू ना ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट उनको क्लियर होगा कि टेंस वंस के बाद टेंस पर आएंगे तो ब्लू, दस का दम क्या है, दहाई कैसे बनेगी, सौ का दम क्या है, कि नौ तक हम यूज करने के बाद एक अलग उस पर आ गए हैं कंसेप्ट पर, वंस टेंस एंड हंड्रेड। इसी तरह से आप अपने तरीके से, जैसे एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी उन्होंने कल एक चार्ट भी बनाया था, उन्होंने चार्ट शो करें सर ने एक चार्ट टीएलएम जो खुद बनाया था, वो कितना अच्छा बनाया था, वो इसी कंसेप्ट को लेकर था, वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड एंड लाख, जो भी आप करते हैं उसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। ये सेम फिर हम इस तरह के कुछ चार्ट अगर हमारे पास हैं, ये अगर करा दिया उसके बाद ये वाला चेक कर सकते हैं, फीडबैक हमारे पास आ जाएगी कि मेरे बच्चों को क्लियर हो गया, ये यूज करा दिया तो वो हमारा चेक भी हो गया, मेरे बच्चे इस चीज की नॉलेज रखते हैं। और फोर्थ स्टेप होगा बच्चे करेंगे टीएलएम का यूज, फोर्थ स्टेप ये बच्चे यूज करेंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ये बेस टेन ब्लॉक्स, ये हमारे हो गए कलर टाइल्स या रबर ब्लॉक्स भी बोलते हैं इनको, सिर्फ नंबर लाइन, नंबर लाइन नंबर लाइन इसमें नहीं है, ये टीवी में हमारे घर में भी नंबर लाइन नहीं, तीन मेरे को नहीं हमारे घर में। हंड्रेड पेज होते हैं उसमें दस 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 करके, दस वाइट दस रेड दस वाइट दस, तो इसमें क्या होगा बच्चे को 33 कि वो इजी होगा, दस दस के तीन हो गए सेट, फिर थ्री हो गया, सिर्फ थ्री काउंट कर रहे हैं बच्चे को। मैथ जो प्लस माइनस करते हैं वो टेंथ में मतलब दहाइयों में काउंट करने के लिए, कि पहले दहाइयों दहाइयों को 20 और 30 हो गए 50, कि 50 इधर कर दिए, फिर सात और तीन काउंट करेगी, इसमें क्लिप्स आती हैं उस क्लिप्स पे लगा दो और नंबर लिख दो। बच्चे जो हमारे थोड़ा करके ही सीखते हैं, जो वो बच्चे हैं वो इससे बहुत अच्छा सीखते हैं, हमने प्रैक्टिकल किया है। बांध देते हैं इधर रस्सी के साथ खिड़की में कहीं पर, बांध दीजिए, चार उन बच्चों को बोल दीजिए एक स्लिप पर नंबर लिख दीजिए कि ये नंबर तुम मुझे दिखाओ, वो बच्चा उस नंबर को फिट कर देगा, मैम यहाँ तक 45 हो गए, मैम यहाँ तक 54 हो गए, 54 और 45 में कितने माइनस करने हैं, तो बीच में कितने बचे, वो चीजें माइनस कर लेते हैं पर उनको ये नहीं पता कि माइनस अच्छा ये है कि इसमें से इतने घटा के इतने बच गए, है ना, बस ये प्लस कर दिया माइनस कर दिया, सवाल से मैडम ने करा दिया। प्रैक्टिकली जब वो इस तरह से करेगा तो उनको बेस, इसका नाम जो है नंबर लाइन विद क्लिप, क्लिप्स होते हैं इसमें एंकर, ठीक है। अगर किसी रूम से मिला तो मैं आपको उसका नंबर बताऊँ, क्या ये नंबर लाइन बेस टेन ब्लॉक्स नंबर लाइन, और हमारा ये आ गया पैटर्न ब्लॉक्स, ये आपको पता है पैटर्न ब्लॉक्स पता है, पैटर्न ब्लॉक्स को पीछे से यूज बता दे आप कैसे करते हैं जी मैम, पैटर्न ब्लॉक्स
अलग अलग पैटर्न के बॉक्स को हम रखते हैं, वो अरेंज करने के लिए बोलेंगे बच्चों को, जैसे हमें येलो कलर का और स्क्वायर ये रख दिया रेक्टेंगल, फिर हम कहेंगे बच्चों इस पैटर्न को आप आगे करो, तो बच्चा अपने आप येलो वाला उठाएगा और उसको आगे आगे शो करता रहेगा। जी शेप्स बताना, जैसे कि कल हमारी एक्टिविटी जोकर बनाना, बच्चों को पैटर्न दे दिए, यूज करना बताना बच्चों की इसको यूज करें। वैसे बहुत कुछ एक्टिविटीज हमारे पास हैं, इसकी जो हमारा मॉड्यूल हमारे साथ है, इसकी वो दी है ना बुकलेट कि रंगोली बनाओ इसकी मदद से, पैटर्न बनाओ इसकी मदद से, गुड़िया बनाओ, जोकर बनाओ, जो आपका मन करता है बनाओ। बट मुझे बताओ कि तीन ट्रायंगल यूज किए हैं, चार स्क्वायर यूज किए हैं, इतने रेक्टेंगल यूज किए हैं, इतने मतलब शेप्स का उनको नॉलेज हो। तो बहुत अच्छी है हमारी।